अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लेक्चर नंबर 16 के साथ हाज़िर हैं। उम्मीद है कि पिछले लेक्चर आपको पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे। जो लेक्चर 15 था उसमें हमने राउटिंग अपनी स्टार्ट की थी और उसमें हमने स्टैटिक राउटिंग और जो डिफ़ॉल्ट राउटिंग है उसकी प्रैक्टिस की थी हमने। अभी हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। Two types of routing protocols are used in inter-networks. Interior gateway protocols, IGPs जिसको कहते हैं, and exterior gateway protocols जिसको EGPs कहते हैं। IGPs are used to exchange routing information with routers in the same autonomous system जिसको AAS भी कहते हैं। An AAS is either a single network or a collection of networks under a common administrative domain. Autonomous system कौन सा होता है? जब हम routing protocol configure करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम एक number देते हैं, तो उस जो autonomous system जिस routers का same होता है, वो आपस में routing information share करते हैं, ठीक है, which basically means that all routers sharing the same routing table information are in the same AAS. ठीक है, जो मैंने पहले आपको बता दिया कि जो एक AAS में होंगे तो वो आपस में सारे routing protocol share करेंगे। अगर आप दो router configure करें और उसका autonomous system आप change कर लें, एक का 1 रख दे दूसरे का 2 रख दे, तो वो आपस में जो routing table होते हैं वो आपस में share नहीं करेंगे। ठीक है, तो जिनका AAS same होगा वो आपस में राउटिंग प्रोटोकॉल शेयर करेंगे। तो जो IGPs में जो राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगी वो ऑटोनोमस सिस्टम उसका सेम होगा। EGPs आर यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन AASs। एन एग्जांपल ऑफ एन EGP इज बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। उसके लिए हम BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, उससे फिर हम उसकी राउटिंग कराते हैं और उसमें इसका ऑटोनोमस सिस्टम चेंज होता है। अगर एक का 1 होगा तो दूसरे का 2 होगा, विच वी आर नॉट गोइंग टू बादर विद बिकॉज इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो सीरीज। हम जो सीरीज़ बना रहे हैं वो उसमें BGP स्टडी नहीं करेंगे, उसमें हम जो IGP जो है ना, जो IGP प्रोटोकॉल है सारे हम वही स्टडी करेंगे। सिंस राउटिंग प्रोटोकॉल आर सो इसेंशियल टू डायनामिक राउटिंग, I am going to give you the basic information you need to know about them in next lecture. उसके बाद एक राउटिंग प्रोटोकॉल है और एक राउटेड प्रोटोकॉल है, उसमें डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड राउटेड प्रोटोकॉल्स। राउटर्स यूज राउटिंग प्रोटोकॉल टू डायनेमिकली फाइंड ऑल नेटवर्क विद इन द greater inter network and to ensure that all routers have the same routing table. Routing protocols are also employed to determine the best path a packet should take through an inter network to get to its destination most efficiently. RIP, RIP version 2, EIGRP and OSPF are great example of the most common routing protocol. राउटिंग प्रोटोकॉल वो है जिससे हम राउटेड प्रोटोकॉल की राउटिंग कराते हैं। वंस ऑल राउटर नो अबाउट ऑल नेटवर्क्स, ठीक है, जब राउटर जो है ना अपने सारे नेटवर्क का डाटा उसके पास इकट्ठा हो जाए, वो अपने राउटिंग टेबल शेयर कर ले, ठीक है, तो हम राउटेड प्रोटोकॉल कैन बी यूज टू सेंड यूज़र डेटा पैकेट्स थ्रू द एस्टेब्लिश्ड एंटरप्राइज। तो हम फिर किसके थ्रू जो है ना डेटा वगैरह सेंड करते हैं, उसके लिए हम राउटेड प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। राउटेड प्रोटोकॉल्स आर असाइंड टू एन इंटरफेस एंड डिटरमाइन द मेथड ऑफ पैकेट डिलीवरी। एग्जांपल ऑफ राउटेड प्रोटोकॉल आर IP एंड IPv6। जो हमारे पास IP है, IP वर्जन 4 है या IP वर्जन 6, ये है राउटेड प्रोटोकॉल। और जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो राउटेड प्रोटोकॉल की राउटिंग कराती है। उसमें RIP है, RIP वर्जन 2, EIGRP एंड OSPF। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैटिक राउटिंग की जो है ना वो लैब कर ली थी और जो डिफ़ॉल्ट राउटिंग थी उसकी लैब रह गई थी। तो इंशाल्लाह हम पहले डिफ़ॉल्ट राउटिंग की लैब करेंगे और उसके बाद हम अपना स्टार्ट लेंगे। पहले RIP स्टडी करेंगे, फिर RIP वर्जन 2,
ये जीआरपी और उसके बाद हम ओएस पढ़ेंगे, ओएस स्टडी करेंगे। तो आज के जो लेक्चर होगा उसमें हम अभी इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट राउटिंग की जो है ना लैप करेंगे। और डिफ़ॉल्ट राउटिंग की डिफिनेशन क्या थी? इन डिफ़ॉल्ट राउटिंग वी हैव ओनली वन वे आउट टू रीच ऑल अदर नेटवर्क। उसमें क्या होता है, जिस तरह ये एक लिंक बने हुए, ठीक है, यहाँ पर सारे जितने भी नेटवर्क है, ये वाला नेटवर्क हो गया, ठीक है, ये नेटवर्क हो गया, ये नेटवर्क हो गया, या इसके दरमियान जो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होंगे इसके दरमियान में, ठीक है, जो आपस में राउटर कनेक्ट है, इन सब राउटर तक अगर पहुँचना हो तो इस राउटर के पास ये एक ही पाथ है। तो हम अगर स्टैटिक राउटिंग कन्फिगर करेंगे तो हमें इन सब की एंट्रीज डालनी पड़ेंगी, इसकी एंट्री, इसकी, इसकी, और चार जो पॉइंट टू पॉइंट लेंगे, इसका मतलब हमें सात एंट्रीज यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटिंग कन्फिगर करें तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक ही एंट्री यहाँ पे ऐड करेंगे और इन सब की राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये पैकेट ट्रेसर में मैंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, एक स्विच लगे हुए, उसके साथ दो पीसी कनेक्ट है, एक राउटर कनेक्ट है स्विच के साथ, इस ये जो पोर्ट है ये इसकी एज ए गेट पे हम यूज़ करते हैं, और ये राउटर इसके साथ आगे फिर फर्दर कनेक्ट है। इस राउटर में मैंने कुछ लूप बैक एड्रेसेस बनाए हुए हैं, लूप बैक वर्चुअल इंटरफेस बनाए हुए हैं, ये, क्योंकि फिजिकल राउटर लगाना और उसकी कन्फिग्रेशन करना थोड़ा सा जो है ना कंबरसम होता है, इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पर ये लूप बैक बना लिए, ठीक है, लूप बैक 50, उसके आईपी मैंने ये साइन कर दिए, इससे लूप बैक 60 के आईपी ये है, लूप बैक 70, लूप बैक 80 और लूप बैक 90, आप कोई भी लूप बैक बना सकते हैं, 1, 2, 3 बना ले, 60, 70 बना ले, जो नंबर आप देना चाहें वो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो इस आईपी से, इस पीसी से पहले मैं एक आईपी पिंग करता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ पिंग 50.0.0.1, मैं जो लूप बैक 50 उसका आईपी पिंग करता हूँ, ये देखिए रिप्लाई फ्राम 20.0.0.254, ये इसको अपना गेट वे रिप्लाई दे रहे हैं, जो इस पीसी का, जो इस पीसी का जो गेट वे है, ठीक है, ये मैं आपको इसका गेट वे दिखा देता हूँ, ये इसका अपना गेट वे है, ठीक है, ये सिर्फ अपने गेट वे तक जाता है और आगे उसको रिप्लाई नहीं मिला। अगर मैं गेट वे पिंग करूँ 20.0.0.254 तो गेट वे से पिंग हो रहे हैं, लेकिन आगे इससे आईपी कोई भी पिंग नहीं हो रही, ठीक है, कोई भी लूप बैक अगर मैं पिंग करूं, अगर मैं 60 पिंग करूं, ठीक है, तो वो भी गेटवे तक जा रहा है, अगर मैं 70 पिंग करूं तो वो भी उधर तक ही जा रहा है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम इस राउटर में इंटर होंगे, इनेबल करेंगे, कॉन्फिग टी करेंगे, पहले मैं आपको स्टैटिक राउट दिखाता हूँ, आईपी राउट 50.0.0.0, ये याद रखें कि यहाँ पर आपको नेटवर्क देना पड़ता है, जो सबनेट होता है उस आईपी का, वो सबनेट देना पड़ता है, आईपी नहीं देनी पड़ती, ठीक है। उसके बाद इसका सबनेट मास्क 25.0.0.0, उसके बाद उसका जो आउट पोर्ट है, ठीक है, 30.0.0.1, ये जो पोर्ट है ना इसकी आईपी हम देखेंगे, इसकी आईपी क्या है, ये टॉप पे जो लिखी हुई है गीगाबिट इंटरनेट 0/0 30.0.0.1, तो हम ये वाली आईपी देंगे इसको, ठीक है, इसको आप इंटर करें, यहाँ से एग्जिट कर लें, इस पीसी पर आए, यहाँ से पिंग करें, पिंग 50.0.0.1, ये मैंने एक स्टैटिक राउट डाल दी उस 50 की, तो उसका पिंग स्टार्ट हो गया, मैं 60 की चेक करता हूँ तो 60 का नहीं हो रहा, ठीक है, इसी तरह अगर मैं 60 के लिए स्टैटिक राउट डाल लूँ, एंटर कर दे तो इसमें 60 के लिए, यहाँ पर जस्ट आप ये वाली आईपी चेंज कर दे तो ये 60 के लिए हो जाएगी, ये 60 के लिए हो गई, ठीक है, तो यहाँ से जो 60 का नेटवर्क है वो भी स्टार्ट पिंग शुरू हो गया, ठीक है। इस तरह अगर मैं 70 चेक करूं तो 70 मेरे पास नहीं हो रहा। अभी मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक डिफ़ॉल्ट राउट एंटर करता हूं, ठीक है, पहले मैं ये दो जो राउट है ना इसको मैं ख़त्म कर देता हूं, जो दो राउट मैंने यहां पे दिए थे ना, ये इसको आप यहां से कॉपी करें, ख़त्म करने का तरीका ये है, नो लिख के इसको
पेस्ट करके एंटर कर दे, दोबारा नो लिख के जो दूसरा राउट है उसको कॉपी करके पेस्ट कर दे, एंटर करे, दोबारा दूसरा रन करे वेरीफाई करने के लिए। ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट राउट देता हूँ। उसका तरीका क्या है कि आईपी राउट सेम उसी तरह आपने लिखना है, सिर्फ यहाँ पे आईपी चेंज होती है, आपने 0.0.0 डालना है। किसी भी राउटर में आपने डिफ़ॉल्ट राउट कन्फिगर करना है तो आपने 0.0.0 आईपी लिखनी है और उसके साथ 0.0 सबनेट मास्क उसका वही होगा, और उसकी जो आउटपुट है 30.0.0.1 ये एंटर करना है। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ दोबारा है, स्टार्ट हम करते 50 से पिंग हो रहे, सिक्सटी पिंग हो रहे, 70s के भी रिप्लाई हमारे पास आ रहे हैं, 80 चेक करते हैं, 80 भी हमारे पास रिप्लाई आ रहे हैं, और इस तरह 90 के भी रिप्लाई आ रहे हैं। ठीक है, लूप बैक मैंने इसलिए बनाई है कि यहाँ पर मैं राउटर लगाता तो उसकी जो है ना फिर कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब है लूप बैक का मतलब ये कि यहाँ पर जो है ना इसके नेटवर्क इसके पोर्ट्स पे नेटवर्क चल रहा है। इसी तरह आप राउटर लगा दें उसका नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर ले, दूसरा राउटर लगा दे उसका नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर ले, तीसरा लगा दे उसका, इस तरह मैंने पॉइंट टू पॉइंट इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, इस तरह इस पोर्ट को आईपी असाइन किए 0/0 को 30.0.0.2 और इधर किए 30.0.0.1। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, उसके साथ पीसी भी लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप स्टैटिक राउट और डिफ़ॉल्ट राउट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थी हमारी डिफ़ॉल्ट राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन, और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन इन टाइम आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।